Alaikum. This is the video lecture presented to you from FC Grammar School. Today, we will learn about Five Kingdom Classification System. In 1937, E. Chetan suggested the terms of prokaryotic to describe bacteria and eukaryotic to describe animal and plant cells. उन्नीस में ई चैटन ने बैक्टीरिया के सेल के लिए प्रोकैरियोटिक और जानवर और पौधों के सेल के लिए यूकैरियोटिक कैरियोटिक की असलाहत मुतारफ़ करवाईं एंड रॉबर्ट विटेकर इंट्रोड्यूस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम रॉबर्ट विटेकर ने पांच किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम मुतारफ़ करवाया दिस सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन मंदरजा जैर खास इस सिस्टम की बुनियाद बनते हैं द लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गनाइजेशन प्रो कैरियोटिक यूनि सेलोर यू कैरियोटिक एंड मल्टी सेलोलर यू कैरियोटिक सेलोलर ऑर्गनाइजेशन का लेवल यानि प्रो कैरियोटिक यूनीलुलर यू कैरियोटिक और मल्टी सेलोलर यू कैरियोटिक द प्रिंसिपल modes ऑफ न्यूट्रिशन photosynthesis, absorption एंड ingestion. खुराक हासिल या तैयार करने के तरीके जैसा कि photosynthesis, खुराक जजब करके कर जिसम में ले जाना और खुराक खाकर जिसम में ले जाना ऑन दिस बेसिस ऑर्गनीजम्स आर क्लासीफाइड इन टू फाइव किंगडम्स मोनरा प्रोटीस्टा फंगाई प्लानी एंड मार्गुलस एंड शुआस मोडिफाइड दंगडम क्लासीफिकेशन ऑफ वेटिकर दे कंसीडर जेनेटिक्स अलॉन्ग विलोलर ऑर्गनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रीशन इन क्लासीफिकेशन मार्गुलस और श्वार्स ने वेटिकर के पाँच किंगडम सिस्टम में तरामीम की उन्होंने क्लासीफिकेशन के लिए सेलुलर ऑर्गनाइजेशन और ख़ुराक हासिल या तैयार करने के तरीकों के साथ साथ जेनेटिक्स को भी बुनियाद बनाया दे क्लासीफाइ दिजम्स इन टू दाइव किंगडम्स एज प्रोपोज बायो वेटिकर उन्होंने जानदारों की क्लासीफिकेशन के लिए वही पांच किंगडम्स रखे जो कि वेटिकर ने तजवीज किए थे इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब थैंक यू फॉर लर्निंग विद